मशीन का रोटेशन ट्यूनिंग कैसे करेंगे। ये हमारी गियर मशीन है और ये हमारा ड्राइव है GT300L INVT का। तो चलो आप करते हैं इसको रोटेशन ट्यूनिंग। दिखाओ ड्राइव, दिखाओ। रोटेशन ट्यूनिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल टाइप जीरो करना पड़ेगा। ड्राइव से कर रहे हैं तो हमने क्या कर रखा है जीरो कर रखा है, इसमें P1 के P00.01 में। अब चलते हैं 9 में ट्यूनिंग के लिए। 9 में गए, कितना का रोटेशन ट्यूनिंग के लिए 1, स्टैटिक के लिए 2। तो हम 1 करके इंटर कर दिया, रन का कमांड आ गया। अब मुझे रन का बटन दबाना है। दिखाओ इधर मशीन दिखाओ, देखो अब ट्यूनिंग होना शुरू हो गई है, साउंड आ रहा है, ट्यूनिंग होना स्टार्ट हो गया। अब कुछ सेकंड का रोटेशन करेंगे, रन 2 आ गया ना। अब देखो ये रोटेशन ट्यूनिंग करना शुरू कर दिया। दिखाओ इधर 3 आ गया, अभी रोटेशन करके इंड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी ट्यूनिंग। दिखाओ उस मशीन को, ठीक है रोटेशन ट्यूनिंग हो रही है। अभी ये कितना 5-7 सेकंड लगेगा तब इंड हो जाएगा। अभी रन 3 पे है, इंड होने में टाइम लगेगा। दिखाओ ENT इंड आ गया, अब ये कंप्लीट हो गया रोटेशन। अब देखते हैं चला के चलती है कि नहीं। तो दिखाओ चल रही है कि नहीं, चलती देखो चल रही है। स्पीड कौन है, 0.700 आ रहा है स्पीड, 700 की स्पीड हमने डाला 0.700, और ये स्पीड चल रही है। अभी रोक देते हैं, रुक